गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आपका द्वितीय पाठ कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो देखा होगा, अच्छे से समझे होंगे और होमवर्क भी कंप्लीट हो गया होगा। अब हम तीसरे चैप्टर पर आते हैं, तृतीय पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबनम मतलब कि अपने आप पर निर्भर रहो, अपने आप पर निर्भर रहना, ये आपके चैप्टर का नाम है। अब देखते हैं, कृष्णमूर्ति श्री कंठस्य कंठस्य मित्रे आस्ताम, श्री कंठस्य पिता समृद्धा आसीत, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाय आसन, तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु पञ्चाशत् गवाच्छाः, चत्वारिंशत् द्वाराणि षट् त्रिंशत् विद्युत् व्यजनानि च आसन, तत्र दश सेवकाः निरतम कार्यं कुर्वन्ति स्म। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृष्णदम्पत्ति, तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणञ्च आसीत्। अब इसका अर्थ देखते हैं, कृष्णमूर्ति श्री कंठस्य, करें कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, दो मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत, समृद्ध थे या धनी थे। अतः इसलिए तस्य भवने उनके घर में, या इसलिए उसके, तस्मिन्स उसके, इसलिए उसके घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधन आसन थे। कह रहे हैं कि इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने उसके विशाल घर में चतवारिंशत् चालीस स्तंभा खंभे आसन थे। उसके विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य उसे अष्टादश प्रकोष्ठेषु पञ्चाशत् गवाच्छा, करें कि उसके क्या थे, अष्टादश प्रकोष्ठेषु कमरों में, उसके 18 कमरों में पञ्चाशत् गवाच्छा 50 खिड़कियां, चतुः चत्वारिंशत् और 44 द्वाराणि दरवाजे, षट् त्रिंशत् 36 विद्युत व्यजनानि चा आसन, विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे आसन थे। कह रहे हैं कि उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र दस सेवकाः निरतम कार्यम कुर्वन्ति इस्म, तत्र वहाँ दस सेवक या नौकर निरंतर कार्यम कुर्वन्ति इस्म, काम करते रहते थे। यानी कि वहाँ 10 नौकर निरंतर काम करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता चा निर्धनौ कृषक दंपत्ति, करें कि परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धनौ गरीब कृषक दंपत्ति थे। करें कि परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता कृषक दंपत्ति थे। तस्य गृहम उसका घर आडंबर विहीनम दिखावे से रहित साधारण च आसीत और साधारण था। कह रहे हैं कि उसका घर आडंबर रहित मतलब दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठा तेन सह
प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वाशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत्, मित्र, अहम् भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखम् यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्याः नास्ति। मम सत्काराय भवतः बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकाराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रौ 2 श्रोत्रे इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु तौ भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवन्तु न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। अब इसका अर्थ देखते हैं। एकदा एक बार श्रीकंठः श्रीकंठ एक बार श्रीकंठ तेन उसके सह साथ एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे तस्य गृहम् आगच्छत्, उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे घर गया, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य उसके माता पिता और माता और पिता स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किए। कह रहे हैं कि वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किए। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठः अकथयत्। श्रीकंठ कहा, मित्र, हे मित्र, अहम् भवताम् सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। अहम् मैं भवताम् आप लोगों के सत्कारेण सत्कार से संतुष्टोऽस्मि, संतुष्ट हूँ। मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव केवल इदम एव यही मम मेरा दुखम दुख यत है कि तब तुम्हारे गृहे घर में एको अपि एक भी भृत्यः नौकर नास्ति, नहीं है। कह रहे हैं कि केवल यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ। कह रहे हैं कि मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो अनेक या बहुत नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। कह रहे हैं कि मेरे भी 8 नौकर हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च द्वैपादौ, कह रहे हैं कि वे 2 पैर 2 हस्तौ 2 हाथ 2 नेत्रे 2 नेत्र 2 श्रोते इति और 2 कान हैं। कह रहे हैं कि वे 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र और 2 कान हैं। इति प्रतिक्षणम् मम सहायकाः, ये हर क्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तौ भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवन्तुम् न शक्नुवन्ति। यानी किंतु तौ तुम्हारे भृत्याः नौकर, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह च और हर जगह उपस्थिताः उपस्थित भवन्तु न भवितुम मीन्स हो, ना मीन्स नहीं सकते, मतलब सकते हैं। कह रहे हैं किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु
स्वकार्याय भृत्याधीना, कह रहे हैं कि त्वम तू, तब तब तुम स्वकार्याय अपने काम के लिए भृत्याधीना नौकर के अधीन हो, कह रहे हैं कि तब तुम अपने काम के लिए नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, कह रहे हैं कि जब जब ते वे अनुपस्थिताः अनुपस्थित होते हैं, कह रहे हैं कि जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब त्वम तुम कष्टम अनुभवसि, तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो, कह रहे हैं कि जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, कह रहे हैं कि स्वावलंबन में तो मेरा सुख ही है, कह रहे हैं कि स्वावलंबन में तो हमेशा सर्वदा हमेशा, कह रहे हैं कि स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, ना कदापि कष्टम भवति, ना कदापि, कह रहे हैं कि कभी भी कष्ट नहीं होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्री कंठ अवदत मित्र तौ वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रशंसा जाता, अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि भवति, सार्ध द्वादश वादनम इदं साम्प्रतम गृहम चलामि। करें कि श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि तुम्हारे वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसि मेरे मन में महती प्रशंसा, सॉरी महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई है। कह रहे हैं कि मित्र तुम्हारे वचन को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि, अब मैं भी स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, कह रहे हैं कि अब मैं भी स्वकार्याणि अपना अपने काम स्वयमेव स्वयं ही कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ, कह रहे हैं कि अब मैं भी अपने काम स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु अच्छा, भवतु अच्छा, सा अर्ध द्वादश वादन वादन मिदम, कह रहे हैं कि अब इसका अर्थ होता है सा अर्ध द्वादश, मतलब साढ़े बारह बज गए हैं, कह रहे हैं कि साढ़े बारह, इसका ऐसा अर्ध द्वादश वादनम इदम, कह रहे हैं कि साढ़े बारह बज गए हैं, साम्प्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ, अब घर चलता हूँ। तो ये आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये एक ही पार्ट में आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इसका होमवर्क भी कंप्लीट रखेंगे, कल या अगले वीडियो में हास्य बाल कवि सम्मेलनम चतुर्था पाठा, ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा, आप ये तृतीया पाठा अच्छे से कंप्लीट करेंगे।